CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम पतंग के पेंच। प्रस्तुत करता है क्रिस्टोफर सिंह। बच्चों, पतंग तो तुम सभी ने देखी होगी। रंग बिरंगी पतंगे आकाश में जब उड़ती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, और खास तौर पे जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, 2 महीने की, उस समय तो पतंग सारे आकाश पे छाई रहती है। पतंगें कई रंगों की होती हैं, जैसे लाल, हरी, नीली, पीली, और कई पतंगे तो 3-4 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। तुमने तिरंगे झंडे वाली पतंग भी देखी होगी। तो आज हम तुम्हें एक पतंग की कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है पतंग के पेच। ये कहानी दो दोस्तों की है। उनका नाम था अली और हरीश। अली और हरीश मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। हरीश की पतंग में लाल और पीली धारियां थी और अली की पतंग का रंग था हरा। दोनों की पतंगें आसमान में बहुत ऊंची उड़ रही थी। उसी मैदान में जिसमें अली और हरीश पतंग उड़ा रहे थे, कुछ बच्चे गेंद भी खेलने लगे, और वो सभी बच्चे पतंग का भी आनंद लेते और गेंद भी खेलते जाते। तभी वहां पर एक रमेश नाम का लड़का आया। रमेश अली का दोस्त था। रमेश ने अली से पूछा, तुम हरीश की पतंग के साथ पेच लड़ाओगे? सब लड़के जो गेंद खेल रहे थे बोल उठे, हाँ तुम दोनों पेच लड़ाओ, बड़ा मजा आएगा। हाँ लड़ाओ, बड़ा मजा आएगा, वो देखना। हरीश बोला, अभी तो पतंग बहुत ऊंची है, मेरी पतंग कट जाएगी और मेरी सारी डोर चली जाएगी। सब लड़के बोल उठे, अली हरीश से बोला, हरीश पतंग थोड़ी नीचे ले आओ। और फिर दोनों ने अपनी अपनी डोर चरखी में लपेटनी शुरू कर दी। अब पतंगे थोड़ी नीचे आ गई थी। जितनी ऊंची वो पहले उड़ रही थी ना, अब उतनी ऊंची नहीं थी। अब दोनों पतंगे हवा के झोंक से आपस में लड़ गईं। जोर की हवा आई तो एक पतंग दूसरी पतंग से लड़ गई। बच्चों ने शोर मचाया। ओ पेच लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। ओए ओए पीली और लाल कटी हुई है, हरी कटी हुई है, लाल वाली कटी हुई है, तो पहली लगा ले। ओए ओए पीली। बच्चों को बहुत ही मजा आ रहा था। अली ने चरखी को जमीन पर फेंका, वो तेजी से डोर खींचने लगा। अली ने उसी समय डोर को ढील दी और बोला, हरीश के हाथ की डोर भी ढीली पड़ गई। लाल पीली धारी वाली पतंग नीचे आने लगी, क्योंकि लाल पीली धारी वाली पतंग कट गई थी, हरी पतंग ने उसे काट दिया था। सब बच्चे पतंग के पीछे भागे। और पतंग को लूटते लूटते वो मैदान के दूसरी तरफ चले गए। तो बच्चों, ये तो थी कहानी पतंग के पेच की। लेकिन गाना तो हुआ ही नहीं। हाँ, तुम सोच रहे होगे आज हम गाना नहीं सुनाएंगे। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है। आज हम तुम्हें पतंग का ही एक गाना सुनाएंगे। तो तुम भी हमारे साथ मिलकर गाओ पतंग का ये गीत, सर 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 उड़ी पतंग। हाँ, सब बच्चे मिलकर गाना।
सर 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 उड़ी पतंग 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 पर 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 उड़ी पतंग पर 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 उड़ी पतंग अरे पर 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 उड़ी पतंग पर 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 उड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा इसको काटा उसको काटा इसको काटा उसको काटा इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा खूब लगाया सैर सपाटा अरे खूब लगाया सैर सपाटा उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग अरे उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग अरे अरे कट गई मेरी 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 पतंग लो भाई इनकी तो पतंग ही कट गई लेकिन तुम अपने भैया की पतंग मत कटने देना। कभी कभी तुम्हारे भैया की पतंग भी कट जाती होगी ना। अब जब तुम्हारा भैया पतंग उड़ाए ना तो तुम उसकी मदद करना, उसके साथ उसकी चरखी पकड़कर खड़े हो जाना और देखना तुम्हारा भैया कितनी ऊंची पतंग उड़ाता है और कितनी पतंगे वो काटता है। और हाँ, अपने भैया से पतंग उड़ानी सीख भी लेना ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम भी इसी तरह रंग बिरंगी पतंगे ऊंची ऊंची उड़ाया करो। सर 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 उड़ी पतंग 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 पर पर उड़ी पतंग पर 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 उड़ी पतंग अरे पर पर उड़ी पतंग पर 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 उड़ी पतंग इसको काटा उसको काटा इसको काटा उसको काटा इसको काटा उसको काटा इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा खूब लगाया सैर सपाटा अरे खूब लगाया सैर सपाटा उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग अरे उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग उड़ते उड़ते जुड़ी पतंग अरे अरे कट गई मेरी 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 पतंग तो दोस्तों अभी तुमने एक कहानी सुनी पतंग की, और हाँ एक गीत भी तो सुना। और अब दोस्तों मैं तुम्हें सुनवा रहा हूँ तुम्हारी ही पसंद का एक गीत। दोस्तों ये गीत है रिमझिम बरसात का, गरजते हुए बादलों का। लेकिन हाँ दोस्तों, ये गीत सुनते सुनते तुम भी गाने की कोशिश करना। तो लो दोस्तों सुनो ये गीत बरसात का। डम 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 बादल गरजे
चप चप जूते बजते, चप 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 जूते बजते, भर 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 नाले आते, भर 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 नाले आते, घर 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 नन्हे जाते, घर 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 नन्हे जाते, डम 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 बादल गरजे। अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हम मिलेंगे कल। तो भाई सब कहो जय हिंद। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। Thank you.